आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं विदर्भ दर्पण न्यूज़। बड़े गर्व के साथ में आज हम ये कहना पड़ रहा है कि आज अंतर्राज्यीय महिला दिवस है और हमारे देश की जो नारी है ये किसी योद्धा से कम नहीं। जिस तरह बॉर्डर के ऊपर जवान हमारे वहाँ तैनात होते हैं, उसी तरह आप महिला शक्ति को देखिए कि आज महिला किसी फील्ड में पीछे नहीं है और अपना एक परचम, अपना एक झंडा लहराए हैं। तो आइए हम सबसे पहले जरीपटका थाने से विद्या काले मैम हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि इनकी बहुत सराहना होती है, इनके काम की बहुत सराहना होती है और इनकी तमाम टीम जो यहाँ पर मौजूद है ये भी दिन और रात मेहनत करते हैं। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थैंक यू सो मच। आज 8 मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिन। आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचा उद्देश आहे की सगळ्या महिलांना त्यांचे हक्क काय आहे याच्याविषयी जागरूक करणे। प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आज महिला पुढे आहे आणि पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून त्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये काम करत आहे। माझ्याकडून सर्व महिलांना आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू, धन्यवाद। अभी हमारे साथ में कुछ लोग और मौजूद है। मैम, आपका नाम बताइए। मैं ममता सायम, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आज महिला दिवस है और महिला किसी पुरुष से आज के दौर में कम नहीं है, क्योंकि घर के चूल्हा चक्की से लेके आज फाइटर प्लेट उड़ा रही है, तो महिलाओं के बारे में आप क्या मैसेज देना है? और आगे भी मैं ये चाहूँगी कि जो भी महिलाएं बाहर नहीं निकलती उन सब ने बाहर आकर एक कंधे से कंधा मिलाकर हर महिलाएं ने अपना काम करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा है कि जब कोई महिला अधिकारी अपनी ड्यूटी को अंजाम देती है, हमारे देश की पहली जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, तो ऐसी महिलाओं को हमारे चैनल की ओर से एक सैल्यूट बनता है कि ऐसे महान महिला हमारे बीच में मौजूद है। मैम, आपका नाम बताइए। माझं नाव शीतल पाटील आहे। महिलांना मी हेच सांगू इच्छितो की चूल आणि मूल न करता समाजासाठी आपल्याला तरी काहीतरी देणं आहे हे ध्यान ठेवून आपण आजचा दिवस मनवला पाहिजे। थँक्यू। तो दुनिया है, बस मैं महिलाओं के लिए सल्यूट मारती हूँ बस। तो पुरुष है और ये बात में कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि महिला हमारी माँ होती है, हमारी बहन होती है और वो हमारी रक्षा करती है, तभी हम लोग जाके सुख और चैन की नींद सो पाते हैं। तो पुलिस पे उंगली उठाना बंद कीजिए और पुलिस की सहायता कीजिए, क्योंकि आपकी सहायता से पुलिस समाज को और ज़्यादा सुधार सकती है और मजबूत कर सकती है। तो इसी तरह हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए विदर्भ दर्पण न्यूज़ के साथ में। अब्दुल शेख की रिपोर्ट, नागपुर।